हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट क्लास 7 में भी आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाए गए थे और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी डिटर्मिनर्स सिलेबस में हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वी ऑल नो इंग्लिश ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यू हैव 3-4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस जिसमें क्लोज टेस्ट होता है, देयर इज एरर डिटेक्शन, देन यू हैव टू फाइंड द ओमिशन एंड फिल इन द सूटेबल वर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर सेक्शन में। और फिर एक आता है जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो एक सेंटेंस होगा जिसके वर्ड्स जम्बल्ड होंगे, आपको उन्हें रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंस बनाना होगा। अब ये जो डिटर्मिनर्स हैं या बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर के सिलेबस में, इन सब की नॉलेज इन क्वेश्चंस में चेक होती है। सो लेट अस बिगिन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स। लेट अस सी विच ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं, दे आर आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स एंड अदर्स। अब हम इन सबको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। वॉट आर आर्टिकल्स? हम सबको ये पता है अ, एन, द, ये तीन वर्ड्स हैं जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल करता क्या है? एन आर्टिकल इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ नाउन। इट मींस दैट एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ नाउन। तो सेंटेंस में अगर हमने आर्टिकल यूज किया है तो आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन होगा। तो आर्टिकल ये इंडिकेशन देता है कि उसके बाद जो वर्ड यूज हो रहा है वो नाउन है। नाउ वी हैव two types of articles. The first is an indefinite article and the other one is definite article. नाम से ही हम ये क्या कह सकते हैं, indefinite article means indefinite article किसी भी general noun के आगे use होगा and definite article किसी particular noun के आगे use होगा। तो जब भी हम किसी particular चीज की बात कर रहे हैं, किसी particular person, place or thing, we will use a definite article. And when we are talking about a general person, place or thing, we will use indefinite article. Indefinite article में एक article है a and second article is an. दोनों के use में एक minor सा difference है, we'll cover that later. And definite article एक ही है, that is the. अब इन articles को कब कब कहाँ कहाँ use करना है, we'll discuss in detail. First of all, let us see indefinite articles. Indefinite articles का main function क्या है? They tell that the noun they precede does not refer to any particular person or thing. जैसा कि अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ, जब हम किसी general noun, किसी general name, place या person की बात करते हैं, तब हम indefinite article use करते हैं. It is also used before a singular countable noun. तो इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन का क्वालिटी क्या होता है, वो सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए होता है एंड इट इज काउंटेबल, मींस जो भी नाउन है उसे हम नंबर से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल, नाउ वी कैन काउंट वन गर्ल, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, सो दिस इज अ काउंटेबल नाउन। तो इस तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होते हैं। Now there are some instances where indefinite articles are used when noun is mentioned for the first time. जैसे कि मैंने आपको बताया किसी general noun के लिए indefinite articles use होते हैं। तो जब भी कोई noun पहली बार आपकी बातचीत में, communication में या sentence में आ रहा है, तब आप उससे पहले indefinite article use करेंगे क्योंकि वो एक general noun है। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, किसी भी चीज की अगर आप क्वांटिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, तो यहां पर अ क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी। आप एक कहना चाहते हैं वन, तो उसकी जगह आपने अ यूज किया। सो दिस इनडेफिनेट आर्टिकल अ इज एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी। It is also used before units of price, speed, ratio. For example, I say sugar costs 25 rupees a kilo. तो यहां पर किलो क्या है, यूनिट ऑफ वेट,
और उससे पहले हमने अ यूज किया विच इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल. सो इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट एटसेट्रा. नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज्ड बिफोर सर्टन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल वी से अ मिलियन पीपल. तो यहां पर नंबर है मिलियन और उससे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज किया. इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे. तो वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है. और यहां पर भी देखिए अ का यूज हुआ है इनडेफिनेट आर्टिकल. नेक्स्ट यूजेज इज इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस. लाइक इफ आई से What a beautiful day. This is an exclamatory expression. और यहां पर a use हुआ है indefinite article. तो इस तरह के exclamatory expressions में भी indefinite articles use होते हैं. Now the next important thing is a और an की usage में क्या फर्क है. A is used before a word beginning with a consonant sound and an is used before a word beginning with a vowel sound. Now please listen very carefully. Aapne sound par dhyan dena hai, not the alphabet. What is a consonant sound? What is a vowel sound? English alphabets 26 hain, unme se 5 vowels hain A, E, I, O, U. In 5 ke ilawa jo 21 baki ke alphabets hain, wo consonants hain. ना अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से तब आप उस वर्ड से पहले एन यूज करेंगे. एंड इफ द वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अल्फाबेट यू हैव टू सी द साउंड देन यू विल यूज अ बिफोर दैट वर्ड. नाउ लेट अस सी सम एक्सेप्शंस. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शुरू तो होते हैं वावल से लेकिन उनका साउंड वावल वाला नहीं होता इसलिए उनसे पहले अ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड यूनिवर्सिटी. Now university begins with a U which is a vowel but इसका sound क्या है? Y sound. Y का जो sound होता है. And this is a consonant sound that's why we say a university. Similarly I have another example. He is an honest man. Now honest word starts with H. H is a consonant but इसका sound क्या है? Honest. O sound आ रहा है which is a vowel sound. And so we say an honest person. So I hope you have got this clear कि आपने a और an sound देखकर use करना है. Now the next important thing is definite article the. When is the used? Before both countable nouns singular and plural and with uncountable nouns with a specific person place or thing. अगर आप किसी particular person place या चीज की बात कर रहे हैं उसके नाम से पहले आप the use करेंगे. और द काउंटेबल नाउन्स जो कि सिंगुलर या प्लूरल हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स सबके साथ यूज हो सकता है. नाउ लेट अस सी सम इंस्टेंसेस वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. जब आप कोई सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल यू से द स्टाफ इज इन अ मीटिंग. स्टाफ रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो एक मीटिंग में है. अब यहाँ पर स्टाफ इज अ सिंगुलर नाउन बट इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल. तो इससे पहले हमने द यूज किया है. ऐसे ही अगर हम कहते हैं द कमिटी इज इन अ मीटिंग या द सेनेट हैज डिसाइडेड समथिंग तो इन सब नाउन से पहले हम द यूज कर सकते हैं. देन वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ ओशंस, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, गल्फ्स एंड सीज. फॉर एग्जाम्पल The Indian Ocean. तो Indian Ocean के नाम से पहले हमने the use किया. Similarly, river का नाम है the Ganga. Another instance is the names of countries, religious books, hotels, buildings. For example, we say the Bible, the Gita, जो कि हमारी religious holy books हैं. इनके नाम से पहले भी हमने the use किया है. Some more instances where definite article is used, names of families in plural. For example, we say the Kapoors. The Kapoors refers to the Kapoor family. तो जब हम एक पूरे बड़े परिवार की बात कर रहे हैं उससे पहले भी हम the use करेंगे. When we have to refer to a class, race, newspaper का नाम,
उससे पहले भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गुप्तास, द मौर्यास. तो इस तरह से इन सब वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है. नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल इज यूज इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास. बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उससे पहले हमने द यूज किया. इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सप्रेशन लाइक बाय द डजन, ऑल द स्टूडेंट्स, द सेम थिंग. तो इन सब एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द यूज हो रहा है. नाउ देर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता है. जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज की क्वालिटी को रेफर करते हैं उससे पहले हम द यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द ब्रेवरी इज अ वर्च्यू. अब यहां पर ब्रेवरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले द नहीं आएगा. वील से ब्रेवरी इज अ वर्च्यू. तो ऐसे जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर रहे हैं उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. सिमिलरली नेम्स ऑफ मटेरियल्स. फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल है, हम कहते हैं कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. अब यहां पे मटेरियल क्या है, कॉटन. तो हम कॉटन से पहले द यूज नहीं करेंगे. वी विल नॉट से द कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर. सिमिलरली मील्स, लाइक आप कहते हैं आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट. वी विल नॉट से आई हैव जस्ट हैड द ब्रेकफास्ट. कोई भी मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, उससे पहले द नहीं आएगा. कलर्स है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ग्रास इज ग्रीन इन कलर. सो यू विल नॉट से ग्रास इज द ग्रीन इन कलर. कलर के आगे भी द यूज नहीं होगा. ऐसे ही अगर कोई गेम है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट. नाउ हियर आई विल नॉट से आई प्ले द क्रिकेट. क्रिकेट वर्ड से पहले द नहीं आएगा. तो ऐसे ही किसी गेम या स्पोर्ट के नाम से पहले भी द नहीं आएगा. देन यू हैव सम एक्सप्रेशंस जहां पर द यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ऑल डे, ऑल नाइट, बाय ट्रेन, बाय एयर. अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कई एक्सप्रेशंस हैं जहां पर द यूज होता है, कई एक्सप्रेशंस हैं जहां पर द नहीं यूज होता. तो ये सारे यूजेज है जो ये आपको प्रैक्टिस से आएगी. जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश को अपनी डेली यूज में लाएंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एक्सप्रेशन में द यूज होगा, कहां पर द यूज नहीं होगा. नाउ वी मूव ऑन टू डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दो वर्ड्स आते हैं, दैट एंड दिस. दैट का प्लूरल है दोज एंड दिस का प्लूरल है दीज. ये दोनों वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं, तब आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. अब देखते हैं दैट कब यूज होता है. इट इज यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन. अगर आप एक बार किसी नाउन का नाम ले चुके हैं और दोबारा से उसे रेफर करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेने की बजाय दैट बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रेड ड्रेस. तो यहां पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक रेड ड्रेस है. I wore the red dress to the party. अब यहां पर हम red dress की जगह क्या बोल सकते हैं, I wore that to the party. तो यहां पर आपने देखा the red dress को हमने replace कर दिया that के साथ. The next usage of that is it also refers to things far away from the speaker. अगर मेरे से कोई दूर चीज पड़ी है जिसे मैं रेफर करना चाहती हूँ तो मैं दैट यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल गिव मी दैट बुक. नेक्स्ट इज दिस. दिस इज यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर टू द स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड दिस बुक मेनी टाइम्स. तो यहां पर दिस इंडिकेट्स के बुक मेरे पास पड़ी हुई है जिसकी मैं बात कर रही हूं. नेक्स्ट इज पोजेसिव्स. पोजेसिव मींस ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन शो करते हैं. वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं. एडजेक्टिव यानी कि आप उनकी क्वालिटी शो कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनकी ओनरशिप आपके पास है. और प्रोनाउन यानी कि आप उनका नाम लेने की बजाय ये प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जहां पर ये पोजेसिव्स यूज हो सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर हाउस, दिस हाउस इज हर्स. अब यहां पर हर इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ये घर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो घर है इसकी क्या क्वालिटी है, विशेषता क्या है, कि ये उसका है. दिस हाउस इज हर्स, यहां पर हम ओनरशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये घर इसका है, यानी कि वो उसकी मालकिन. आई हैव अनदर एग्जाम्पल सेंटेंस, लीव वॉट इज हर्स एंड टेक वॉट इज योर्स. अब इस सेंटेंस में हर्स एंड योर्स दोनों पोजेसिव्स हैं,